हेलो गाइस वेलकम बैक टू नर्सिंग कंसेप्ट तो आज हम टॉप टेन इंपॉर्टेंट नर्सिंग एम्स डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर वन एक्सट्रीम लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज एन इन्फंट बिलो किस इन्फंट को एक्सट्रीम लो बर्थ वेट कहा जाता है ए वेट लेस दैन वन थाउजेंड ग्राम बी वेट लेस दैन वन ग्राम सी वेट लेस दैन वन ग्राम डी वेट लेस दैन टू ग्राम सो ऑप्शन ए वन थाउजेंड ग्राम इज द करेक्ट आंसर द एक्सट्रीम लो बर्थ वेट इन फंट वेट इज लेस दैन ए वन थाउजेंड ग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन इन लो बर्थ वेट इन फंट इज लो बर्थ वेट बेबीज में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन क्या होता है ए हिमरेज बी ब्रेन डैमेज सी म्यूकसल डैमेज डी रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सो ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज़ अ करेक्ट आंसर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन लो बर्थ वेट बेबीज इज़ डी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन एट विच एज इन मंथ हेड सरकम्फरेंस बिकम इक्वल टू द चेस्ट सरकमफरेंस कौन से एज में हेड सरकमफरेंस और चेस्ट सरकमफरेंस इक्वल हो जाते हैं ए थ्री बी सिक्स ईयर सी नाइन ईयर्स डी ट्वेल्व ईयर्स सो ऑप्शन डी ट्वेल्व ईयरस इज़ अ करेक्ट आंसर ट्वेल्व ईयर्स की एज में हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफरेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एन आई सी यू स्टैंडस फॉर एन आई सी यू का फुल फॉर्म क्या है ए न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट बी न्योनाटल इंटेंसिव केयर यूनिट सी न्यूनटल इंटरमीडिएट केयर यूनिट डी न्यूबॉर्न इंटरमीडिएट केयर यूनिट सो ऑप्शन बी न्योनटल इंटेंसिव केयर यूनिट इज़ द करेक्ट आंसर एन आई सी यू स्टैंड फॉर न्यो इंटेंसिव केयर यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग इन टू चिल्ड्रन चिल्ड्रंस में टॉयलेट ट्रेनिंग देने का सही एज क्या है ए जीरो टू वन ईयर बी सिक्स मंथ सी थ्री टू सिक्स ईयर डी वन टू थ्री ईयर सो ऑप्शन डी वन टू थ्री ईयर इज द करेक्ट आंसर वन टू थ्री ईयर की एज में टॉयलेट ट्रेनिंग देना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट टूल ऑफ न्योनेट इज कॉल्ड न्योनेट के फर्स्ट टूल को क्या कहा जाता है ए सीबम बी लैनुगो सी म्यूकस डी मेकोनियम सो ऑप्शन डी म्यूकोनियम इज़ द करेक्ट आंसर द फर्स्ट टूल ऑफ न्योनेट इज कॉल्ड डी म्यूकोनियम नेक्स्ट क्वेश्चन कैपुट सक्सेडेनियम रिजॉल्व्स विथ इन कैपुट सक्सेडियन नाम की कंडीशन कितने दिन में सॉल्व हो जाती है ए सेवन डेज बी एट डेज सी फोर डेज डी नाइन डेज सो ऑप्शन सी फोर डेज इज़ अ करेक्ट आंसर कैपूट सक्साडियन रिजॉल्व इन फोर डेज नेक्स्ट क्वेश्चन डोज ऑफ वाइटामिन के इन प्री मैच्योर बेबी इज़ प्री मैच्योर बेबीज़ में वाइटामिन के का कितना डोज दिया जाता है ए वन एम जी बी टू एम जी सी जीरो पॉइंट फाइव एम जी डी वन पॉइंट फाइव एम जी सो Option A 1 mg is the correct answer. The dose of vitamin K is given to neonate is A 1 mg. Next question: Diaper rashes most commonly caused by diaper rashes. Kakaran kya hai? A. E. coli. B. Diphtheria. C. Streptococcus. D. Staphylococcus aureus. So, option D. Staphylococcus aureus is the correct answer. The diaper rashes are. कॉज बाय स्टेफिलोकोकस और यस नेक्स्ट क्वेश्चन अ चाइल्ड बॉर्न टू अ डायबिटिक मदर कैन हैव डायबिटिक मदर के चाइल्ड को क्या होने का खतरा रहता है ए हाइपोथर्मिया बी हाइपरथर्मिया सी हाइपोग्लाइसेमिया डी हाइपरग्लाइसेमिया सो ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसेमिया इज द करेक्ट आंसर डायबिटिक मदर के चाइल्ड को हाइपोग्लाइसेमिया होने का खतरा रहता है सो so, दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप टेन एम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना